भक्तों पर दया की वर्षा करने वाले भोलेनाथ अपने सर्वोच्च भक्त की भक्ति को क्यों भूल रहे हैं पिताश्री? आप माँ को उनके तप का फल क्यों नहीं दे रहे हैं पिताश्री? तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति। ये जलधारा तो माता को बहा ले जाएगी। ओम सर्वभूत हराय नमः। भैया, हमें माँ के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। ओम प्रभवे नमः। माँ की ये अवस्था देखकर मुझे उनके लिए कुछ करने की इच्छा हो रही है गणेश। क्यों ना हम इस स्थान को सुव्यवस्थित कर दें? ओम ध्रुवाय नमः। ओम स्मशानवासिने नमः। ओम भगवते नमः। ओम खेचराय नमः। ओम गोचराय नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम तपस्विने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः। ओम सर्वलोकप्रजापतये शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समय व्यतीत हो चुका है भैया, माँ के इतने कठोर तप से भी पिताश्री क्यों नहीं द्रवित हो रहे हैं? कदाचित हमें ही जाकर उन्हें समझाना चाहिए। सत्य कहा तुमने गणेश। क्या है पिताश्री की अपेक्षा जो हमारी समझ के भी परे है? कब तक माँ और पिताश्री इसी अवस्था में रहेंगे? शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। अंधिका सुर पिताश्री के नाम का जप कर रहे हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंधक महादेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। महादेव, इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए पिताश्री, किंतु माँ। अब तुम्हें क्षमा करने का समय आ गया है। Shiva
प्रभु महादेव। कहो अंधक, क्या वरदान चाहते हो? जो समस्त संसार के लिए इतना बड़ा संकट बना, उसे वरदान दे रहे हैं पिताश्री। महादेव, मैंने आपकी भक्ति मात्र भक्ति रूपी सुख प्राप्त करने के लिए की। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं महादेव, तो मुझे अपने से कदापि दूर मत कीजिएगा महादेव, कदापि दूर नहीं। उचित है वत्स अंधक, आज से तुम कैलाश पर ही रहोगे। मैं तुम्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान देता हूं। धन्य हो महादेव। देव मेरे प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री को अंधक की भक्ति का आभास है, तो माँ के तप का आभास तो अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय। पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते देवेशाय। सुरासुर नमस्कृत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रूपिणे वैयाघ्रव संचदायारण्याय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महास्ताय शूलिने महादंशिने कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। घनघोर वर्षा होने जा रही है और माँ अभी भी वहीं स्थित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, इतना समय व्यतीत हो गया है, आपके उदर में संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए प्रभु मुझे अब तो क्षमा करने की कृपा करें। भृगुपुत्र असुर गुरु, भार्गव नंदन, अद्वितीय है तुम्हारी भक्ति। मैंने तुम्हें निगल लिया, फिर भी तुम मेरी ही भक्ति में लीन हो। पिताश्री। असुर गुरु, अब तुम्हारा मेरे उदर से बाहर आने का समय आ गया है। पिताश्री असुर गुरु को भी क्षमा दान दे रहे हैं, किंतु माँ पर उनका ध्यान ही नहीं है। प्रभु,
मेरी एक ही इच्छा है कि संपूर्ण समर्पण से आपकी तपस्या करूं, अपने इस भक्त को साधना में लीन होने की अनुमति दीजिए। भार्गव नंदन असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। जाओ अपने ग्रह शुक्र के अधिपति बन उसका दायित्व संभालो। धन्यवाद प्रभु। पिताश्री। भैया। नहीं गणेश, बोलने दो मुझे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है पिताश्री। भक्तों पर दया की वर्षा करने वाले भोलेनाथ अपने सर्वोच्च भक्त की भक्ति को क्यों भूल रहे हैं पिताश्री? पुत्र कार्तिकेय, मैं कभी अपने किसी भक्त को नहीं भूलता। तो मां का स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है आपको पिताश्री, जो आपके तप में तल्लीन होकर सब कुछ भुला बैठी है? अभी उसका उचित समय नहीं आया पुत्र। उचित समय नहीं आया अर्थात पिताश्री, मां की भक्ति की ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं पिताश्री? क्यों? दुष्ट असुर अंधकासुर पर कृपा वृष्टि की आपने, असुर गुरु शुक्राचार्य को भी दंडमुक्त कर दिया, जिनके कारण देवासुर महासंग्राम हुआ, किंतु केवल मेरी मां की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं पिताश्री आप? उनकी ऐसी उपेक्षा क्यों? क्या अंधकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ नहीं है क्या मेरी मां की भक्ति? गणेश, अपने चेष्ट को समझाओ। मेरे न्याय पर्दा पर प्रश्न उठाना उचित नहीं। क्षमा करें, किंतु समझने की आवश्यकता तो आपको है पिताश्री। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु अब हम अपनी माँ का कष्ट और नहीं सह सकते। आप माँ को उनके तप का फल क्यों नहीं दे रहे हैं पिताश्री? उनके प्रति इतनी कठोरता क्यों? क्या आप माँ के पास जा रहे हैं पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने यही प्रश्न किया था कि मैंने अंधकासुर को वरदान क्यों दिया, असुर गुरु शुक्राचार्य पर कृपा क्यों की? इन दोनों की भक्ति में समर्पण का भाव है। तो माँ की भक्ति में कैसा अभाव है पिताश्री? माँ सबसे बड़ी भक्त हैं आपकी पिताश्री। माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, हमने अपने नेत्रों से देखा है। नेत्र जो दिखाते हैं उसकी सत्यता की परख तभी होती है जब हृदय भी उसका अनुभव करे। किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी।
पिताश्री माँ की भक्ति परखेंगे? करने जा रहे हैं क्या? पिताश्री ने माता गंगा की धारा को मुक्त कर दिया अपनी जटा से। माता गंगा की जल धारा का प्रचंड प्रवाह तो सर्वत्र विनाश कर सकता है। पिताश्री ये प्रचंड धारा तो माँ की ओर जा रही है। प्रचंड जलधारा माँ की परीक्षा लेने के लिए मुक्त हुई है। ये उन तक पहुँच गई तो उन्हें बहा ले जाएगी। शीघ्र इसका कुछ उपाय कीजिए भैया। अवश्य अवश्य मुझे ही कुछ करना होगा। किसी भी परिस्थिति में इस जलधारा को रोकना ही होगा मुझे। इतने तीव्र वेग से माता गंगा की जलधारा पृथ्वी तक पहुंच गई। आपको और ऊंचाई पर जाना होगा मयूर जी।
ये क्या भीषण रूप लेकर इस वन को नष्ट कर तीव्र वेग से आगे बढ़ती जा रही है ये जलधारा। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे, अन्यथा माँ को भी लील लेंगी गंगा माता। कितनी ऊंची उठती उग्र तरंगे हैं इस जलधारा की, कैसे रोकूं इन्हें? तो कुछ ही देर में मां तक पहुंच जाएगी। मां, ईश्वर अपने और पराये में भेद नहीं करते, उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। अब महादेव की जटाओं से निकली देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। अब इस जलधारा का रुख पाना असंभव ही है। इस हफ्ते देखिए गणेश कार्तिकेय के साथ साथ शिव पार्वती के प्रेमल गांव की एक नई गाथा।